वंदे मातरम। जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी की श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों के द्वारा आरजेएस और टीजेएपीएस केबीएसके ने एक अलग जगाई है हर रविवार आरजेएस वेबिनार, और उसमें महापुरुषों स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के बाद हम लोग किसी न किसी सकारात्मक विषय पे चर्चा करते हैं और देश भर के लोग जुड़ते हैं, खास करके पॉजिटिव स्पीकर जुड़ते हैं, हमारे अतिथि जुड़ते हैं और हम लोग देश के लिए एक रविवार देते हैं, सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो आज 16 जनवरी रविवार है और 10 बजे से श्रद्धांजलि 11 बजे तक दी जाएगी। उसके बाद 11 बजे आप जानते हैं कि एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट प्रोफेसर बिजौन मिश्रा जी, जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, एडवाइजर हैं और आजादी की अमृत गाथा में बहुत बड़ा समर्थक हैं, योगदान दे रहे हैं, आज उनके लेक्चर को सुनने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं पूरे देश भर से। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी का स्वागत करते हुए, जो आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भी हैं। 11 बजे से आप लोग इनको सुनने के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस रखिएगा, काफी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं आज। और अब महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम, जो आजादी की अमृत गाथा है, ये राम जानकी संस्थान तपसिल जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास केंद्र, जिसके सचिव सोमेन कोले हैं और 6.5 साल पहले से ये सकारात्मक भारत आंदोलन चलाया गया था, आज भारत सरकार के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी का सबसे बड़ा श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम को आज हम लोग 43वें अंक को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए आप स्क्रीन पर पॉजिटिव स्पीकर्स देखें और वो उसके बारे में बोलना चाहें, 10 सेकंड तक वो स्क्रीन पर रहेगा, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा आपने जो तैयारी की है और यूट्यूब पर जो वीडियो आपकी अपलोड हुई है, यहां पर 2.5 मिनट आप यहां पर स्पीच देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में भी है और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का जो स्थापना दिवस है 21 जनवरी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देंगे। तो आइए सबसे पहले 17 जनवरी बलिदान दिवस, कूका विद्रोह की स्मृति का स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि के सत्र को शुरू किया जा रहा है। जो पॉजिटिव स्पीकर जुड़े हुए हैं तो वो बोलना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 सेकंड दिखाना है, बस आगे बढ़ाओ। हाँ, यहां हमारे पास आने में देर लग रहा है।
मैं डॉक्टर पुष्कर बाला आज इस परिवार की ओर से सबों का आज इस सूचना के निमित्त से सबों का स्वागत करती हूं। इतिहास में 21 जनवरी की तारीख बहुत सी घटनाओं के साथ दर्ज है। भारत के संघीय इतिहास में इस दिन का बड़ा महत्व है, क्योंकि इस दिन मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के रूप में तीन राज्यों का उदय हुआ था। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में मेघालय और त्रिपुरा को अलग राज्य बने 21 जनवरी 2022 को पूरे 50 वर्ष हो जाएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। ये तीनों राज्य प्राकृतिक सुंदरता, समृद्धि, इतिहास और जीवन संस्कृति के साथ धन्य ये राज आकर्षक हैं। ये त्रिपुरा के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। भारत को मणिपुर के राष्ट्रीय विकास में योगदान पर गर्व है। मणिपुर नवाचार और खेल प्रतिभा का एक पावर हाउस है। मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। त्रिपुरा क्षेत्रफल के हिसाब से त्रिपुरा देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मेघालय को मिनी स्कॉटलैंड और बादलों का घर कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश अगर देखा जाए तो मेघालय के चेरापूंजी में होती है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि मणिपुर की छात्राओं के साथ मेरा बिल्कुल करीब का संबंध रहा है, और ये छात्राएं हमारे साथ तीन रात तीन दिन बिल्कुल हमारे घर पर साथ गुजारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। महान शूरवीर मेवाड़ के महाराणा प्रताप पे सुमन कुमारी जुड़ी हुई हैं। सुमन कुमारी जी, क्या आपने नहीं देखा? सुमन कुमारी जी तो जुड़ी हुई हैं। क्या हो गया? सुमन कुमारी जी का नाम डिस्प्ले हो रहा है यहाँ। जी सर। तो फिर क्यों नहीं आए आप? आइए ना। हाँ हाँ, आ गई मैं। आप बोलिए, आपका अब कुछ बोला नहीं जाएगा। ग्रुप में आपने देखा नहीं, आप महाराणा प्रताप के बारे में श्रद्धांजलि सवा दो ढाई मिनट का दीजिए। जी, महाराणा प्रताप का जन्म उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत परिवार में 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। इनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था। इनके शासनकाल में मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहते थे। यह बात महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए गए। पहला राजदूत जलाल खां सितंबर 1572 में महाराणा प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में 1573 में मान सिंह और भगवान दास भी गए। अंत में अकबर के चौथे राजदूत राजा टोडरमल ने दिसंबर 1573 में महाराणा प्रताप के पास गए, परंतु महाराणा प्रताप ने चारों ही राजदूतों को निराश कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के बीच हुआ।
अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत का टिक पाना असंभव था, परंतु इस युद्ध में राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगल में आश्रय लेना पड़ा। अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति के द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। घास की रोटियां और जंगल के पोखरों के जल पर ही किसी प्रकार जैविक जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थी और सीला ही सैया थी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। इसके लिए मुगलों द्वारा कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए गए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहे। हिंदू का वह गौरव सूर्य इस संकट त्याग और तप में भी अडिग रहा। सीमित साधनों के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया। बाद में मेवाड़ के गौरव भामा शाह की मदद से महाराणा प्रताप ने अपने सैन्य बल का पुनः गठन किया। अंततः युद्ध के दौरान लगी चोटों की वजह से 19 जनवरी 1597 में चावड़ में इनकी मृत्यु हो गई। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद बावजूद भी अकबर महाराणा प्रताप को न तो बंदी बना सका और न ही झुका सका। महान वह होता है जो अपने देश, जाति, धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता न करे और सतत संघर्ष करता रहे। ऐसे व्यक्ति लोगों के दिलों में जन्मों जन्मों तक जिंदा रहते हैं। तो ऐसे महान सपूत श्री महाराणा प्रताप जी को मैं संपूर्ण आरजेएस परिवार के सभी भाई बहनों और सदस्यों की तरफ से सत सत नमन करती हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर मीना। जय हिंद, जय भारत। आप बोलिए डॉक्टर मीना, आप बोलिए, आप रुकिए नहीं। जी सर। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर मीना, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को आरजेएस के संपूर्ण परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में एक कायस परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके बाल्यकाल में बचपन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हुए। इन्होंने कायस पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेज साहित्य में विख्यात कवि डब्ल्यू टी ईट्स की कविताओं पर शोध और कर पीएचडी की उपाधि पूरी की। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन में हुआ था, जो उस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1935 में श्यामा की टीवी के कारण मृत्यु हो गई। बाद में ये इनके दो पुत्र हुए, जिनका नाम अमिताभ बच्चन, एक प्रसिद्ध अभिनेता हुए। तेजी बच्चन से हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के अनुदित कई घटनाओं में अभिनय का काम किया। हरिवंश राय बच्चन की ऐसे तो मशहूर कई एक कृतियां हैं, लेकिन इनमें से कुछ एक का वर्णन मैं आपके समझ करना चाहूंगी। इस महान कवि ने गीतों के लिए आत्मकथा, निराशा और वेदना को अपने काव्य का विषय बनाया। इनके सबसे प्रसिद्ध काव्य कृतियों में से निशा निमंत्रण, मिलन, यामिनी, धार के इधर उधर आदि अग्रणी है। हरिवंश राय बच्चन की गद्य रचनाओं में क्या भूलो, क्या याद करो, टूटी छूटी कड़ियां, नीर का निर्माण, फिर आदि श्रेष्ठ है। मधुबाला, मधुकला, संतरंगिनी, एकांत, संगीत, निशा निमंत्रण, विकल, विश्व,
खादी के फूल, सूत की माला, मिलन, दो चट्टाने, भारतीय और अंगारे आदि बच्चन के मुख्य कृतियां हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की उपलब्धियां यहाँ बताना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 1968 में अपनी रचना दो चट्टाने कविता के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुछ समय बाद उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियन सम्मेलन का कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनके सफल जीवन कथा क्या भूलू क्या याद करूं, निंदा का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और दस द्वार पर सौवन तक के लिए बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1976 में उनके हिंदी भाषा के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अपनी दिलकश कविताओं से लोगों का मन मोह लेने वाले इस महान कवि ने 95 वर्ष की आयु में 3 जनवरी सन 2003 में मुंबई में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हर व्यक्ति जन्म लेता है और अंत में इस दुनिया को छोड़ जाता है, यह सत्य है, लेकिन कुछ लोग अपने गुणों और सत्कर्म की छाप लोगों के दिलों में कुछ इस तरह छोड़ जाते हैं जिसे याद किया जाता है। इनकी एक कविता की पंक्तियां जो हमारे जीवन को आत्मसात करती हैं, मैं आपके समक्ष बोलना चाहूंगी। कोशिश करने वालों की से है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह बहुत ही गौरवान्वित पंक्ति है इनकी, जिन्हें मेरे जीवन में भी बहुत रंग लाई है। इनकी एक कविता आपके समक्ष और बताना चाहूंगी। यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभाल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे, जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे गए खुदा बन जाओगे। जय हिंद जय भारत। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आरजेएस की संपूर्ण टीम, संयोजक उदय मन्ना जी एवं आरजेएस पटना केंद्र के प्रभारी महोदय डॉक्टर झुंझुनवाला जी एवं बिजोन मिश्रा जी के को अपने सत सत नमन करती हूँ और अभिवादन करती हूँ। जय हिंद जय भारत। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी बोलिए। जय हिंद जय भारत। आजादी के अमृत गाथा के इस 43वें अंक में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी आरजेएस टीजेपीएस केबीएस के तथा सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार से आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं तथा स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान की पुण्यतिथि पर जो कि 20 जनवरी को है श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। साथ ही उनके अविस्मरणीय योगदान, जीवनी आदि को इस वेबिनार के माध्यम से साझा करना चाहती हूँ ताकि हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा ले सके, क्योंकि चरैवेति की प्रासंगिकता कभी न खत्म होने वाला ब्रह्म वाक्य है। देश काल और सीमा से परे एक ऐसा शख्सियत जो ताउम्र देश सेवा
समाज, शिक्षा आदि के उद्धार और विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहा। इसके एवज में जिसे जेल की सलाखों में न सिर्फ रहना पड़ा बल्कि जीवन का अंतिम समय भी नजरबंदी के रूप में दम तोड़ना पड़ा। ऐसे शख्सियत थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 ईस्वी को पेशावर तत्कालीन ब्रिटिश भारत वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनके परदादा अब्दुल्ला खान बहुत ही सत्यवादी जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वहीं उनके पिता बेरहम खान शांत स्वभाव के थे और ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। अपने बेटे अब्दुल्ला खान को प्रारंभिक शिक्षा मकतबों में तथा उसके बाद की शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में करवाई। बाद में अलीगढ़ से आगे की पढ़ाई की। शिक्षा लेने के बाद वह देश सेवा में लग गए। सरहद के पार अपने लोगों की स्वाधीनता के लिए संघर्षरत सीमांत गांधी के नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान प्रारंभ से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे। स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान ही उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी। वह उनके विचार, दर्शन और सिद्धांत से काफी प्रभावित थे। इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व से भी झलकता है। वो पख्तूनों के नेता के साथ साथ ब्रिटिश भारत के भी अग्रगण्य नेताओं में से थे जिन्होंने देश की सेवा तन मन धन से की थी। देश की आजादी बंटवारे की कीमत पर लेना उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन वक्त की नजाकत थी कि देश का विरोध विभाजन हुआ और उन्हें देश छोड़ वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर में जाना पड़ा। वहां की सरकार इनसे नाखुश रहते थे क्योंकि वो कांग्रेस समर्थक थे। जीवन का अधिकतम समय जेल और यातनाओं में बिताया, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कई संस्था संगठन जैसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी चलाया, रेड शर्ट, कई स्कूल आदि चलाकर देश और समाज की सेवा करना चाहा। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बने रहे, लेकिन उसकी अध्यक्षता करना कभी नहीं स्वीकार किया। लेकिन वो गांधी जी के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को हमेशा पूरा पूरा सहयोग दिया। जीवन का अधिकतम समय देश सेवा, समाज सेवा को देते हुए अंतिम सांस 20 जनवरी 1988 ईस्वी को लंबी बीमारी की वजह से पेशावर में हो गया। भारत सरकार ने उनका सम्मान 1987 ईस्वी में भारत रत्न उपाधि से किया। यह हम सबों के लिए गौरव की बात है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, आदर्श और दर्शन हमें सदैव मार्गदर्शन और प्रेरित करता रहेगा। गांधी जी का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर इतना था कि उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी अभिहित किया जाता है। हालांकि वो कई नामों से जाने जाते थे, लेकिन वो उनकी लोकप्रियता उन्हें सीमांत गांधी से ही मिले। एक बार पुनः मैं आरजेएस परिवार की ओर से अब्दुल गफ्फार खान साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ तथा उनके सिद्धांतों को आगे ले जाने का संकल्प भी लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
मुन्नी कुमारी जी अनम्यूट कीजिए। रेणु श्रीवास्तव जी। जी जी सर। जय हिंद, वंदे मातरम। आवाज मिल रही मेरी? आप बोलिए, नहीं मिलेगी तो बताया जाएगा। रेणु जी आप कंटिन्यू कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं भारत के महान सपूत ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी के बारे में बात करूंगी, उनको श्रद्धांजलि दूंगी, उनको सत सत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। आरजेएस टीजेएपीएस केबीएस के सकारात्मक भारत आजादी के आंदोलन के 43वें अंक में मैं रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से सभी मुख्य अतिथियों और आरजेएस परिवार के सभी सदस्यों का सादर अभिवादन करती हूँ। और आजादी के अमृत गाथा महोत्सव में मुझे जो कुछ भी जानकारी है वह मैं आपको बताऊंगी ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी के बारे में। ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी का जन्म 17 जून 1903 को एक अग्रवाल परिवार के आसाम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित तामुलबाड़ी नामक चाय के बागान में हुआ था। इनके पिता परमानंद अग्रवाल और माता किरण गोई अग्रवाल थी। उनका परिवार 1811 ईस्वी में राजस्थान के मारवाड़ से आसाम में जाकर बस गया था। अग्रवाल जी की शिक्षा आसाम और कोलकाता से हुई थी। 1921 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस दौरान असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पे उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन आंदोलन रुक जाने पर कोलकाता के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। इसके बाद 1926 में इकोनॉमिक्स के अध्ययन के लिए वो इंग्लैंड चले गए। शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वो जर्मनी गए और वहां पर उनका संपर्क हिमांशु राय जी से हुआ। राय साहब से सिनेमा कला सीखने का अवसर भी मिला। 1930 में भारत आने पर फिर से असहयोग आंदोलन में वो शामिल हो गए। वहां पे उनको 15 महीने कैद की सजा मिली। जर्मनी से सीखी कला का उपयोग करके 1935 में असमिया साहित्यकार लक्ष्मीकांत बेजरुआ के ऐतिहासिक नाटक ज्योमती कुंवर को आधार मानकर असमिया फिल्म बनाई। वे फिल्म के निर्माता, निर्देशक, पटकथाकार, संगीतकार, सेट डिजाइनर, नृत्य निर्देशक सभी कुछ थे। 1932 में उनकी शादी देवयानी भुइया जी से हुई। ज्योति प्रसाद ने सहयोग के दो सहयोगी थे, गुरु विष्णु प्रसाद और फड़ी शर्मा के साथ असमिया जन संस्कृत को एक नई चेतना दी। स्वर्णिम युग था। ज्योति प्रसाद की संपूर्ण रचना को सरकारी प्रकाशन संस्थाओं में 4 खंड में प्रकाशित किया गया। उनके 10 नाटक थे, 10 कहानियां, 10 उपन्यासकार, 20 से ऊपर निबंध, 359 गीतों का संकलन था। हिंदी में कुछ, अंग्रेजी में अधिकतर असमिया भाषा में लिखे थे। आसाम सरकार 17 जनवरी को पुण्यतिथि के रूप में पूरे आसाम में सार्वजनिक अवकाश रखती है या शिल्पी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकारी आयोजनों के अतिरिक्त स्कूल में उत्साह से कार्यक्रम होता है। प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, साहित्यिक गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी का शरीर 17 जनवरी 1951 को शांत हो गया। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा धनी को मैं रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से राजेस परिवार के तरफ से तथा सभी मुख्य अतिथियों की ओर से सादर नमन करती हूँ, सत सत श्रद्धांजलि देती हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठाकुर रोशन सिंह जी को श्रद्धांजलि। जी कम ऑन, आइए। नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम शहीद ठाकुर रोशन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इस कड़ी में आज मैंने जो बैनर्स पोस्टर देखे, पत्रकार जो कि आरजेएस का मेन सिद्धांत पत्रकारिता से ही शुरुआत हुई थी और उदय मन्ना जी इसके पुरोधा भी हैं, उन्होंने
कमाल खान जैसे पत्रकार को भी याद किया और हम सबके सामने उनको यहाँ पर बैनर के जरिए हमने देखा और श्रद्धांजलि भी दी गई है। इसी कड़ी में हम आज अपने इस मंच पर तमाम मेहमानों के साथ, आप सब के साथ ठाकुर रोशन सिंह जी को इशाक खान जी ये कितना मतलब पत्रकारिता पर आजकल काफी चर्चा चलती है, आप भी दूरदर्शन दिल्ली में हैं, आपने देखा होगा कि पत्रकारों को जो आजादी से पहले मिशन पत्रकारिता करते थे, लेकिन आज के पत्रकारों को पता नहीं क्या हो गया है और सरकारें किस तरह से पत्रकारिता को चौथे स्तंभ को मजबूत कर रही है। यहाँ पर इशाक खान जी, कमाल खान की हम लोग श्रद्धांजलि क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कमाल खान पक्ष विपक्ष, सत्ता विपक्ष सब में लोकप्रिय थे और आपने जो तस्वीर देखी, कमाल खान कमाल की पत्रकारिता करते थे और लखनवी तहजीब की पत्रकारिता जो करते थे, देश विदेश में लखनऊ की जो तहजीब है उसको पहुंचाने में कमाल खान का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और दूसरा चर्चा इसलिए हम लोग इसको जारी रखेंगे क्योंकि यह राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर की थीम को कमाल खान डिपिक्ट कर रहे हैं। और इशाक खान जी, आप ये देखिए कि कमाल खान जो है, उनकी मां ने कई सालों के बाद पूछा कि आपकी पत्नी कहां से बिलोंग करती है, मतलब मां को ये पता नहीं था कि रुचि उनकी वाइफ हैं, जो वो भी मीडिया संस्थान से जुड़ी हुई हैं। कमाल खान एक एक, एक, एक दस्तावेज बन चुके हैं अपने जमाने के, वो हस्ताक्षर कहे जाएंगे। और ऐसा लगा, हम लोगों ने जो आरजेएस के आरजेएस ऑब्जर्वर भी जुड़े हुए हैं, हम लोग इस चीजों पे काफी बारीकी से नजर रखते हैं कि आखिर देश के लिए जो काम कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग इस मंच पर ले आए। आप ये देख रहे हैं, ये कहां की वो आरती है, गंगा आरती बनारस की, बनारस की गंगा आरती में, ये गंगा जमुनी तहजीब को लोगों ने माना है, ये लोगों की चीज है, इसमें सत्ता विपक्ष कुछ भी नहीं है, भी नहीं, ये भी। है पत्रकार की इज्जत, जो अच्छी पत्रकारिता। और यहाँ पर आप देखिए, ये किसी कलाकार ने जो बनाया है एनडीटीवी का, और यहाँ पे उनका वो है, ये सुपुर्दे खाक जो किया गया है, ये लोगों की भावनाओं का आदर है और लोगों ने जिस चीज को एक्सेप्ट किया है आरजेएस फैमिली, उन चीजों को राष्ट्रीय मंच पर लाने का पूरा पूरा प्रयास करती है। और यही आरजेएस की खूबसूरती है कि आपसे रुका नहीं गया और आपने कमाल खान का जिक्र भी कर दिया। जी आगे बढ़िए, ठाकुर रोशन सिंह जी के बारे में। उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया है और यही वजह है कि बनारस जैसे गंगा घाट पर और गंगा आरती के वक्त उनको स्मरण किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई, ये उनकी कमाई है, एक असली पत्रकार की कमाई है। उनको भी हम खिराज अकीदत और श्रद्धांजलि पेश करते हैं आज इस मंच से। और ठाकुर रोशन सिंह जी, जो कि नैनी जेल में एक स्मृति पुरोधा के तौर पर वहां मौजूद हैं, उनकी आदमकद प्रतिमा है। और मैं अपनी थोड़ी सी एक बात बता दूं कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो मेरा कॉलेज था ECC, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, जो गौ घाट में है, वहीं पर लोहे का पुल है और पुल पार करते ही यमुना के उस पार और नैनी का इलाका पड़ जाता है। तो हम लोग अक्सर जाया करते थे, कभी भ्रमण के तौर पर, कभी ऐसे ही शैक्षिक भ्रमण के लिए। तो वहां पर आदमकद प्रतिमा हमने देखी आपकी, और उस आदमकद प्रतिमा के नीचे एक शेर लिखा हुआ है कि जिंदगी जिंदा दिलों को जान ए रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। वास्तव में रोज फना होते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन कितनों को लोग याद करते हैं, कितनों को देख पाते हैं, ये एक नजरिया दे जाते हैं ऐसे लोग हम सबको। और हमारी पुण्यतिथि और इस उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक जरिया ये भी है कि उनके अगर थोड़ा बहुत भी पद चिन्हों को हम अगर अपने आत्मसात कर सकें, अपने ऊपर उनके प्रेरणा को उतार सकें, तो यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी, न कि सिर्फ यहाँ उनका नाम ले लेना। ठाकुर रोशन सिंह जी उन्हीं में से एक थे। उनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1892 को शाहजहांपुर के एक गांव में, और उनके पिताजी थे ठाकुर जग्गी सिंह, माता कौशल्या थी, और कौशल्या के पुत्र कैसा होता है ये दुनिया जानती है। तो इसी कड़ी में हम आगे चलकर ये बताना चाहेंगे कि जब वो अपना एजुकेशन के बाद निकले तो उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी भाग लिया था, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो गीता का पाठ
बहुत किया करते थे, अक्सर किया करते थे और उसे आत्मसात भी करते थे। और इसका उनका एक ही कारण था कि गीता में ये बात कही गई है कि जो हमारे जिम्मे जो कर्तव्य है, हमारी जो जिम्मेवारी है, वही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सबसे पहला धर्म हमारा वही है। इनका धर्म था देश को आजाद कराने का। ये जानते थे कि हम दो चार लोग क्रांतिकारी हैं, हो सकता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक नजरिया जो हम दे रहे हैं आने वाली पीढ़ी को, आने वाले युवाओं को, वो जरूर इस कदम को आगे लेकर जाएंगे और देश आजाद होगा। और इसीलिए वो हमेशा इस बात पर अडिग रहते थे और अपने दोस्तों को लिखते भी थे। अपने मौत से पहले जब उनको मौत की सजा हो गई थी तो एक पत्र लिखा था अपने मित्रों को कि मेरे मौत पे कभी रंज नहीं करना, कभी इसको लेकर के तुम लोग विचलित नहीं होना, अफसोस नहीं करना, क्योंकि मुझे जो करना था हमने कर लिया, अब इसे आगे आपको प्रेरणा लेनी है इससे। ये बात थी। और कहते हैं कि जब सुबह उनको फांसी होने वाली थी तो जिस जेल में बंद थे, रात में एक दो घंटा आराम करने के बाद उन्होंने नित्य क्रिया किया, स्नान ध्यान किया, इसके बाद गीता का पाठ किया। और गीता के पाठ में वो एक श्लोक पर जरूर जोर देते थे, अथ चित्तमिम धर्म संग्रामम न करिष्यसि ततो स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। यानी कि जो अपने कर्तव्यों को धर्म समझ करके उस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा, वो अपने कीर्ति को, अपने यश को पाप के भागीदार बना देगा। ये गीता का अनुशीलन वो अक्सर करते थे। और जब वो फांसी के फंदे तक पहुंचे, उन्होंने एक वेद मंत्र का भी जाप किया, ओम विश्वानि देव सबितुर दुरांतानि परासुव यत्र सत भद्रम तन्नासुव। ये वेद मंत्र है, इसका भी मर्म वो लेकर के हमेशा चलते थे। तीन बार वंदे मातरम बोला फंदे के चुमने से पहले, इसके बाद वंदे मातरम कहने के बाद उन्होंने फंदा अपने गले में डाल लिया। और जब तैयार होकर के जेल से पूरी तरह से निकले तो वक्त से कुछ पहले ही जाकर के वो अपने चौकीदार को, थाने के चौकीदार को कह रहे हैं कि अब मैं तैयार हूं चलो। चौकीदार भी हैरान हो गया कि इसकी फांसी होनी है और यह खुद तैयार होकर के गीता हाथ में लेकर के चला आया और कह रहा है कि मैं तैयार हूं चलो, या भगवान ये देव है या आदमी है। तो ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज इस मंच पे हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, फिर आगे अकीदत करते हैं। और हम चाहते हैं कि आरजेएस जो मंच है, इससे जितने भी जुड़े हैं वो आने वाले महानुभावों की बातों को सुनेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे और इस कड़ी को आगे भी बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कामिनी कुमारी, हुमाई ब्योरा और ब्यारा वाला, कामिनी किचलू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, सैफुद्दीन किचलू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कामिनी कुमुद भानसगी कुमुद जी, अनम्यूट करें आप।
अनम्यूट सर, अनम्यूट का ऑप्शन कहाँ आ रहा है? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ आप बोलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, आरजेएस, टीजेएपीएस, केबीएस के आजादी की अमृत गाथा 42 और 16 जनवरी वेबिनार 43 के अंक के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव में जन भागीदारी करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। इसके लिए मैं आरजेएस फैमिली की आभारी हूँ। भारत सूचना प्रसारण केंद्र पटना बिहार के प्रभारी श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी तथा राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस श्री उदय कुमार मन्ना जी का मैं सदैव आभारी हूँ, जिसने मुझे इतना बड़ा मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। जब भी जलियांवाला बाग और स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर भारत में पंजाब के योगदान की बात की जाती है तो एक नाम हमारे जुबान पे जरूर आता है, वो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। एक स्वतंत्रता सेनानी, पेशे से वकील और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर, अंग्रेजी हुकूमत के पुरजोर आवाज उठाई थी इन्होंने। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेक एक्ट जैसा तानाशाही कानून पास किया, तब उसका विरोध डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने किया था और वह सबसे आगे रहे। 15 जनवरी उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें सत सत नमन करती हूँ तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जलियांवाला बाग का नायक कहा जाता है। उनका जन्म 15 जनवरी 1888 ईस्वी को फरीदकोट में हुआ था। उनके पिता अजीजुद्दीन और माता जान बीवी थी। उन्होंने लंदन से कानून का अध्ययन किया और जर्मनी से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। 1915 में सादात बानो से शादी की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कार्यकर्ता थी तथा उर्दू की कवित्री भी थी। उन्होंने तहरीक ए तंजीम नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की और उर्दू में तंजीम नामक एक पत्रिका की शुरुआत की। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भाव की कामना की और लोगों से धार्मिक भावनाओं के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने की अपील की। उन्हें ब्रिटिश भारत में 14 साल की कठोर कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ी। उन्हें शांति और मित्रता जैसी संस्थाओं के माध्यम से विश्व शांति के लिए काम किया और उन्हें 1954 में स्टालिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। समाजवादी समाज का सपना देखने वाले और जीवन भर विश्व शांति के लिए काम करने वाले डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का 9 अक्टूबर 1963 को निधन हो गया। आरजेएस फैमिली की आजादी की अमृत गाथा से जुड़े 25 राज्यों के लोगों की ओर से मेरा कोटि-कोटि प्रणाम तथा एक बार पुनः मैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को विनम्र श्रद्धांजलि पूरे आरजेएस परिवार की तरफ से ज्ञापन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, सकारात्मक भारत, वंदे मातरम। इतना समय व्यतीत हो रहा है खाली खाली। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आएगी तो बताया जाएगा। देखिए ये मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इस वक्त जो है शिक्षण प्रथम प्रशिक्षण सर्वोत्तम के लाइन पर चल रहे हैं। बोल रहे थे तो तुम लोगों को बात करना जरूरी है, वहाँ सब आवाज जाता है।
देखिए यहाँ आप म्यूट कीजिए, मेरे ख्याल से कामिनी कुमुद जी हैं, आप म्यूट कर लीजिए अपने। मध्य प्रदेश से रिटायर शिक्षिका प्रेम प्रभा झा आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना से जुड़ी हूँ। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं राष्ट्रीय संयोजक उदय मन्ना जी की आभारी हूँ। सकारात्मक भारत आंदोलन देश की नई पीढ़ी में देश प्रेम जगाने का अद्भुत प्रयास है, जिससे मुझ जैसे रिटायर शिक्षिका को भी मार्गदर्शन मिल रहा है। आज मैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पर दो शब्द बोल रही हूँ। भारत में प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। यह दिवस 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन को यातायात नियमों की आधारभूत जानकारी मिलती है। सड़क दुर्घटना के विश्लेषण से पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाओं में 78.7% चालकों की गलती से होती है। इस गलती के पीछे मादक पदार्थों का इस्तेमाल, शराब, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, वैध गति से अधिक तेज गाड़ी चलाना राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दुर्घटना कम करने के लिए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, साइन बोर्ड सिग्नल का पालन करना चाहिए, फुटपाथ पर चलते वक्त सड़क पार करने के लिए फुटपाथ का उपयोग करें, सड़क पर बाईं ओर चलें, कभी यह सोचकर गाड़ी न चलाएं कि आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और सड़क के बाकी लोग आपके प्रतियोगी हैं। गाड़ी चलाते समय अपने सभी कागजात साथ रखें। हमेशा ध्यान दें आपकी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा आप पर ही निर्भर है। ध्यान से और धीरे गाड़ी चलाएं, सकारात्मक सोच रखें। इतना कहकर मैं अपनी बातों को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। ममता रानी, विजय लक्ष्मी जी, अभी भी आवाज है। कामिनी माथुर जी,